वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तो वो पहले आपको बता देते हैं कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर से मीसा भारती के घर पर लालू यादव से पूछताछ के लिए पहुंची है। इससे पहले 2.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर सीबीआई की टीम मीसा भारती के घर पर पहुंचती है जहां लालू यादव हैं, और उनसे पूछताछ का शायद ये दूसरा राउंड भी हो सकता है। लालू से पूछताछ के लिए एक बार फिर पहुंची है सीबीआई की टीम। इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बड़ी खबर है इस वक्त की। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई जांच कर रही है, पहले राबड़ी देवी और आज लालू यादव से पूछताछ। मनोज इस पर हमें जानकारी देंगे। मनोज, एक बार फिर से सीबीआई की टीम मीसा भारती के घर पर? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की जो टीम है वो दोबारा से यहाँ पर पहुंची है। हालांकि जब सीबीआई की टीम निकल गई थी उसके बाद जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि पूछताछ खत्म हो चुकी है, लेकिन अचानक से एक बार फिर से जो सीबीआई की टीम है वो फिर दोबारा से यहाँ पर पहुंची है। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इस बार नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई सीबीआई को करवाना था, यही वजह है कि सीबीआई की जो टीम है वो दोबारा से यहाँ पर पहुंची है। हालांकि वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, ये अभी तक सीबीआई के सूत्रों ने साफ नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार फिर से सीबीआई की टीम मीसा भारती के घर पर पहुंची है। तो मनोज, जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंची है और शायद वो वेरीफाई यहां पर कराने हैं, और इसीलिए इससे पहले 2.5 घंटे की पूछताछ और एक बार फिर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मनोज, क्या ये पूछताछ का दूसरा पार्ट भी हो सकता है, ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि पूछताछ का दूसरा ही पार्ट है, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जैसा कि हम शुरुआत में भी अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि उनका जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद से उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, और जब सुबह भी उनकी पूछताछ हो रही थी तब भी वो सवालों के जवाब थे वो बड़ा धीरे से दे रहे थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये भी हो सकता है कि शायद उनकी तबीयत ढीली थी, शायद उन्होंने कुछ वक्त और मांगा हो। सीबीआई की टीम ब्रेक पर गई और ब्रेक के बाद अब से सीबीआई की जो दो गाड़ियां हैं वो यहाँ मीसा भारती के घर पर पहुंची हैं, और इस बार डॉक्यूमेंट जरूर उनके हाथ में नजर आए हैं। तो ठीक है मनोज, तो दोबारा से सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, इस खबर पर आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो इस पर एबीपी न्यूज की भी नजर बनी हुई है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।